अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेसिकली वो सिक्स होती हैं। सिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं। नंबर वन, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड एंड कोसेकेंड। तो स्टूडेंट, जो डेरिवेटिव ऑफ अ साइन फंक्शन होता है वो आपके पास कॉस फंक्शन होता है, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का होता है। सिमिलरली जो कॉस फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव लें तो वो नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन, इट मीन माइनस साइन एक्स, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का लेते हैं एक्स का कुछ भी हो। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपके पास है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ अ टेन फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड एक्स, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का लेते हैं। फोर्थ नंबर पे कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का होता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ अ सेकेंड एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का होता है। सिक्स नंबर पे स्टूडेंट कोसेक एक्स, उसके डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, फर्दर डेरिवेटिव उसके एंगल का होता है। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये हमारे गिवन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं और इन रिजल्ट की मदद से हम काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव द डेरिवेटिव ऑफ अ साइन फंक्शन इज इक्वल टू कॉस फंक्शन बाय डेफिनेशन मेथड। इट मीन जो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने इन तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। इनमें से कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव मैं कैलकुलेट करूंगा और कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव आप अपने खुद कैलकुलेट करना है, ये आपको होमवर्क होगा, राइट। तो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं, अगर आपके पास एक फंक्शन है सपोज y इज इक्वल टू sin x, राइट। y का मतलब क्या है स्टूडेंट, f of x is equal to sin x, equation number 1। ये स्टूडेंट आपके पास एक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन के अंदर हमने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए f into x plus del x is equal to student, या इसमें h का इंक्रीमेंट करना चाहे तो स्टूडेंट आप h का इंक्रीमेंट कर दें, x plus h is equal to student sin x plus h, right? ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट क्या बन जाएगी 2। Since we know that by definition method right, हमारे पास क्या होगी डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy over dx is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, right student? इस definition के अंदर student आप result put करते हैं, f of x plus h की value ये है, f of x value ये है, तो क्या बन जाएगा student, dy over dx is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h किसके बराबर student, sin x plus h minus sin x divided by h, right? तो स्टूडेंट आपके पास, आपने 10th क्लास के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन अगर आपके पास है अल्फा प्लस बीटा तो वो बराबर होता है स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां पे हम हिंट देते हैं, अगर आपके पास है साइन एक्स प्लस एच तो ये बराबर होगा साइन एक्स कॉस एच प्लस cos x और sin h, right? तो ये student trigonometric के अंदर हमने ये formula discuss किया था, उसका end देंगे, इस चीज को हम इसके साथ expand करेंगे, खोलेंगे, open करेंगे, तो क्या आ जाएगा student आपके पास, dy over dx limit h approaches to 0 sin x cos h plus cos x sin h minus sin x upon h, right? यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गई कि हमने डेफिनेशन के अंदर फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस sin अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले की मदद से हमने इस फंक्शन को ओपन किया, एक्सपेंड किया, उसके बाद ये रिजल्ट है। इसमें स्टूडेंट जो कॉमन टर्म्स है वो कॉमन ले ली, जो बगैर कॉमन है उसको ऐसे रहने दें। अगर देखें स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इट मीन इसके डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy over dx is equal to limit
h अप्रोचेस टू जीरो. स्टूडेंट साइन x इसमें भी है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लें. अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, cos h राइट माइनस वन ये वाला प्लस ये चीज एज इट cos x एंड sin h राइट स्टूडेंट. डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या हो जाएगा h. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव क्या हो गया, इट मीन dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो. अब स्टूडेंट देखिए ये जो लिमिट है वो फर्दर फर्दर डिवाइड होगी sin x बाय लिमिट sin x इनटू cos h माइनस वन राइट डिवाइडेड बाय h. दरमियान में स्टूडेंट क्या है प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो cos x sin h डिवाइडेड बाय h. इट मीन स्टूडेंट बाय लॉ ऑफ लिमिट जब दो फंक्शन सम हो रहे होते हैं तो लिमिट फर्दर फर्दर अप्लाई हो जाती है. ये जो h है ये इसका भी डिवाइजर है और ये h इसका भी डिवाइजर है. इट मीन h दोनों साइड पे डिवाइड हो गया. अगर एलसीएम में दोबारा तो फिर वही चीज आ जाएगी. इट मीन h इसके नीचे रेदर डिवाइड हो गया और h इसके नीचे रेदर डिवाइड हो गया राइट. इट मीन अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को पहले लिख लें साइन एक्स डॉट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एच प्लस कॉस एक्स को पहले लिख दें लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच डिवाइडेड बाय एच राइट स्टूडेंट. इट मीन लिमिट हमने लेते लेते फंक्शन में अप्लाई कर दी जो मल्टीप्लाई और उसको पहले लिख दिया एच वाले फंक्शन को साइड पे कर दे ये भी एच वाला था तो लिमिट एच पे अप्रोच करेगी ये वाला फंक्शन भी एच पे था तो लिमिट एच पे अप्रोच करेगी जो एक्स वाले फंक्शन तो उसको हमने साथ मल्टीप्लाई इन फॉर्म में एज इट रख दिया राइट. इट मीन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन एक्स अगर एच अप्रोचेस टू जीरो है तो कॉस जीरो वन वन माइनस वन जीरो जीरो डिवाइडेड बाय something approaches to zero not a zero answer kya tha student zero zero ke niche kuch bhi answer zero hota hai plus cos x ye jo student jisko main circle kar raha hu ye jo value hai ye aapne 12th class ke andar ya 11th class ke andar discuss ki hogi by according to sandwich theorem limit theta approaches to zero sin theta over theta is equal to 1 right to ye cheez 1 ki equal hoti hai student to isko hum likh denge 1 yahan pe aap magnitude bhi de sakte hain मैग्नीट्यूड दे देता हूं बाद में dy ओवर dx ये क्या हो गया पूरा टर्म 0 प्लस cos x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो cos x. इट मीन dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x d ओवर dx y किसके बराबर था स्टूडेंट sin x इज इक्वल टू cos x हैंस पुट यहां पे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 होता है वो होता है sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अगर हम h लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी h होना चाहिए यहाँ पे भी h होना चाहिए तो ये किसके बराबर होता है 1 के तो इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके राइट. ये स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट प्रूव हो गया कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x बाय डेफिनेशन मेथड. ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं और आपने इनको प्रूव भी करना है राइट कि साइन का डेरिवेटिव cos x कैसे होता है ये हमने अभी प्रूव किया. सिमिलरली अब हम cos का करेंगे तो स्टूडेंट वो क्या आएगा माइनस साइन फार्मूला लगाएंगे देखते हैं स्टूडेंट आप साइन का तो कॉस आ गया आप कॉस का देखते हैं क्या होता है राइट. फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास f(x)
x, इसमें चेंज करेंगे h का, तो क्या बन जाएगा x plus h, by definition मैं कहूँ student, क्या बन जाएगा derivative is equal to limits h approaches to zero f of x plus h minus f of x divided by h. वैल्यू पुट करते स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच. इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था और इसको ओपन किया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है कॉस अल्फा cos beta minus sin alpha sin beta minus cos x as it divided by h. Right student, it means dy over dx limits h approaches to 0. यहां से student cos x को common लेने, अंदर क्या बचेगा student, cos h minus 1 minus ये चीज as it sin h divided by h. Right? तो student आपकी जो h है further further divide हो जाएगा, it means dy over dx is equal to limits h approaches to 0 cos x into cos h minus 1 divided by h minus sin h divided by h. Right? तो student यहाँ पे देखें, हमारे पास final answer क्या आएगा, dy over dx cos x को बाहर लिए limits h approaches to 0 cos h minus 1 divided by h and minus sin x को बाहर लिए dot limits h approaches to 0 sin x dot sin h divided by h, sorry sin x by ना क्या, तो क्या बचेगा sin h divided by h. Right? It mean sin h divided by h. तो student dy over dx is equal to cos x, ये चीज अगेन क्या हो जाएगी 0 minus sin x, ये भी सैंडविच रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा 1. तो dy upon dx is equal to student answer क्या आ गया minus sin x. अब स्टूडेंट ये जो हमने फार्मूला ओपन किया है इसका हिंट ये है, cos alpha plus beta is equal to होता है cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास एक हिंट होता है, अल्फा का काम यहां पे कौन कर रहा है स्टूडेंट, x कर रहा है, बीटा का काम स्टूडेंट कौन कर रहा है, h कर रहा है. इस अल्फा प्लस बीटा को अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आता है वो स्टूडेंट ये आता है. राइट? तो स्टूडेंट ये जो हमने प्रूव किया साइन और कॉस का सिंगुलरली स्टूडेंट, हमने अपनी टेन का प्रूव करना है, फिर सेकंड को सेकंड और कॉट का. राइट? तो इसी वजह से हमने ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को प्रूव कर लिया. राइट? अब यहां पे ये लिख सकते हैं y किसके बराबर था स्टूडेंट, cos x, हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, b into cos x upon dx is equal to minus sin x. राइट? हमने y की जगह दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारे पास गिवन थी. अब स्टूडेंट हमने इसको प्रूव करना है इसी चीज को tan फंक्शन के लिए, टेन फंक्शन का स्टूडेंट बहुत अहम है और स्टूडेंट बहुत इजी भी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्वेश्चन रूल भी यूज कर सकते हैं. आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन एक्स, इक्वेशन नंबर 1. अब स्टूडेंट इस टेन को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स. राइट? अगर आप चाहें तो इसको सिमिलरली इसी डेफिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको क्वेश्चन रूल से भी डिस्कस कर सकते हैं. कैसे? ये जो y है स्टूडेंट 10x, इसको मैं लिख सकता हूँ ना
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये हिंट होता है जो टेन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर वो रेशियो होती है साइन ओवर कॉस की, राइट। तो मैं सेम फंक्शन को लिख सकता हूं साइन ओवर कॉस एक्स, राइट, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स में इस टेन को लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास ये फंक्शन अब फाइनल हुआ, इट मीन ये फंक्शन है हमारे पास y is equal to sin over cos। आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये जो फंक्शन है इसमें दो फंक्शन क्या है, क्वोशेंट हो रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले फंक्शन को f कह दें, नीचे वाले को g कह दें, तो बाय यूजिंग क्वोशेंट रूल, राइट, क्वोशेंट रूल से भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्वोशेंट रूल क्या बन जाएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल ये कहता है ना स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस फॉर्मूला वाला sin x एज इट, डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट। इट मीन dy ओवर dx cos x, स्टूडेंट हमने अभी sin का डेरिवेटिव क्या निकाला था, cos x माइनस sin x, cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या निकाला था, माइनस sin x। अभी आपने देखा था ये डेरिवेटिव जो cos है उसका रिजल्ट क्या निकला था, माइनस का sin, और ये जो डेरिवेटिव ऑफ sin था स्टार्टिंग में डेरिवेटिव ऑफ sin किसके बराबर था स्टूडेंट, cos फंक्शन के, जस्ट हमने उनकी जगह हमने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया, राइट। तो इट मीन इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy upon dx is equal to cos को cos के साथ मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट cos square x minus ये डिवाइडेड में भी है स्टूडेंट cos square x, cos को cos के साथ करें cos square x minus minus स्टूडेंट का हो गया प्लस sin को sin के साथ मल्टीप्लाई करें sin square x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट cos square x, राइट। इट मीन डेरिवेटिव dy upon dx will be equal to, देखिए स्टूडेंट ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसकी जगह आप स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, इट मीन ऊपर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट cos square x, राइट, नॉट अपोजिट cos square x। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये जो cos x होता है ये बराबर होता है 1 ओवर secant, और अगर मैं secant की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो cos मल्टीप्लाई और इधर आगे का हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड, मतलब 1 ओवर cos secant, 1 ओवर secant cos, अब ये 1 ओवर cos है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके secant बन जाएगा लेकिन स्क्वायर के साथ, इट मीन d over dx y किसके बराबर था स्टूडेंट 3x, इसका आंसर क्या होगा secant square x and root, राइट। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने cot का भी डेरिवेटिव लेने हैं, जो cot होता है वो cos ऊपर sin होता है, मतलब उलट हो जाएगा, cos ऊपर आ जाएगा sin नीचे आ जाएगा, फिर इसी पैटर्न से सारा क्वेश्चन होगा, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस cos x square रहेगा, आपके पास गिवन है इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की मदद से अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है हमारे पास या एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन इसको कह सकते हैं, राइट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4 sin x, राइट। इस फंक्शन का स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4 sin x, डिफरेंशिएट With respect to x, क्या बन जाएगा स्टूडेंट dy over dx, d over dx
y की जगह वैल्यू पुट कर दी, राइट डी वाई ओवर स्टूडेंट डी एक्स, डेरिवेटिव को लेंथ लेकर अप्लाई करेंगे सम रूट के मुताबिक, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स फोर साइन एक्स, राइट इसके ऊपर स्टूडेंट पावर लगेगा डी ओवर डी एक्स, पावर पहले पावर में की कमी माइनस एज इट, ये कांस्टेंट फोर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्टूडेंट क्या होता है कॉस एंड रूट, राइट तो स्टूडेंट किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम इस तरह ले सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, राइट इसी तरह स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास y is equal to minus 10x plus 3 cos x, राइट स्टूडेंट मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx माइनस 10, जब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 3 एज इट, cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है माइनस sin x, राइट तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा स्टूडेंट माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 3 sin x, वन स्टेप क्वेश्चन, राइट एक ही लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, अगर इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करें तो 10 एज इट x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, ये आप शुरू से जानते हैं, 3 मल्टीप्लाई और एज इट cos का डेरिवेटिव 1 sin हमने पुट कर दिया तो आंसर आ गया, राइट इसी तरह कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी फंक्शन y इज इक्वल टू स्केयर रूट x माइनस साइन 4x, राइट सॉल्यूशन स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, इस स्केयर रूट को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, इस स्केयर रूट को मैं पहले से ही इसको सॉल्व कर देता हूं, स्केयर रूट का मतलब होता है 1/2, जब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में की कमी करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन का क्या होता स्टूडेंट cos 4x, फर्दर डेरिवेटिव स्टूडेंट हम लेंगे एंगल का, एंगल क्या आपके पास x की जगह 4x, राइट तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट dy ओवर dx 1/2 x रेस की पावर माइनस 1/2 माइनस cos 4x, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x x की जगह 7, इट मीन dy over dx 1/2 स्टूडेंट इस 1/2 को नीचे ले आओ तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा माइनस 4 cos 4x, इस 1/2 को खत्म करके स्टूडेंट दोबारा आप स्केयर रूट लिख सकते हैं, हेंस आंसर, राइट इतना आसान क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और जितने हमने प्रूव किए और स्टूडेंट जितने भी हमने ये एग्जाम्पल्स बाई डेफिनेशन मैथड से डिस्कस किया आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर मजीद आपको कुछ इस लेक्चर से रिलेटेड पूछना है तो हमें वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा।